हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्निहोत्री अपने चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे ब्रेड के रसगुल्ले। पर उससे पहले मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ब्रेड के रसगुल्ले बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, हम देख लेते हैं। हमें चाहिए व्हाइट ब्रेड। यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड ली हुई है और हमने यहाँ पे 10 स्लाइस लिए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये सैंडविच ब्रेड हमने ली हुई है। ऑलरेडी इसमें कॉर्नर यहाँ पे नहीं है, पर अगर आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज करेंगे जिसमें कॉर्नर्स यहाँ पे होते हैं ब्राउन कलर के, तो आप पहले उनको निकाल देंगे। और ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे किशमिश और पिस्ता लिया हुआ है, एक चम्मच देसी घी, एक चम्मच पाउडर शुगर, गुलाब जल, एक ग्लास दूध, 6 चम्मच नारियल यहाँ पे हमने घिसा हुआ लिया है, एक बड़ा कप चीनी और 1.5 ग्लास पानी चाशनी बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेड के रसगुल्ले बनाना। सबसे पहले ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको मिक्सर में डाल के एकदम बिल्कुल बारीक पीस देंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को बिल्कुल बारीकी से एकदम पीस लिया है। तो अब हम रसगुल्ले बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड में चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। गैस ऑन करके सबसे पहले 1 कप चीनी हम इसमें डाल देंगे और ये 1.5 ग्लास पानी। अभी गैस को हम थोड़ा सा धीमे रखेंगे, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी फिर हम गैस तेज कर देंगे। जब तक एक साइड चाशनी बन रही है, इधर एक पैन में हम ये दूध डाल देंगे और इसको पहले एक बार बॉईल होने देंगे। ये देखिए, दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें ये जो ब्रेड हमने सब पीस के रखे हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ ये जो हमने नारियल लिया हुआ था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला लिया है, एक अच्छा सा डो तैयार किया है रसगुल्ले बनाने के लिए। इसी में साथ में ये जो 1 चम्मच हमने देसी घी लिया हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देसी घी डाल के इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जब आप ये डो तैयार करेंगे रसगुल्ले का, अगर आपको लगता है कि आपने जैसे दूध जो मैंने बताया है, अगर आपको लगता है वो काफी थिक हो रहा है ब्रेड डालने के बाद में, तो आप 2-3 टेबलस्पून दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं। देखिए, डो एकदम अच्छा बन गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे प्लेट में। अभी देखिए, धीमी गैस पे चीनी एकदम मेल्ट हो गई है। अब हम गैस तेज करेंगे और ये क्योंकि हम रसगुल्ले बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसकी 1 तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, चाशनी बन के रेडी हो गई है। ये 1 तार की चाशनी देखिए, इस तरह से हम चेक करते हैं। और अब इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल भी डाल देंगे। और गैस ऑफ करके अब हम साथ में इधर रसगुल्ले बनाना शुरू करें। अभी देखिए, ये डो एकदम ठंडा हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच हम ये पाउडर शुगर डालेंगे और इसको डालने के बाद में एक बार इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। हाथ पे हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं ताकि ये हाथ में ज्यादा चिपके ना। देखिए, इस तरह से रसगुल्ले का साइज बहुत ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इस साइज के बनाऊंगी। कि इस तरह से करके अब इसमें किशमिश हम बीच में रखेंगे, इसको हर तरफ से कवर कर देंगे। और
बिल्कुल रसगुल्ले की तरह हमें इसको गोल गोल बिल्कुल बनाना है। देखिए इस तरह से ये रसगुल्ला बनके रेडी हो गया है, इसको प्लेट में रख लेंगे। अभी मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। फिर से हम इसमें बीच में किशमिश रखेंगे। देखिए एक और रसगुल्ला हमने बना के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से ये जितना भी डो हमारा तैयार हुआ है सभी के हम रसगुल्ले बना के रख लेंगे। ये देखिए 10 पीस हमने ब्रेड की स्लाइस ली थी तो उसमें यहाँ पे हमने 15 रसगुल्ले बना के रेडी किए हैं। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे और चाशनी में डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि चाशनी गर्म होनी चाहिए। अगर आपने बना के रखी है ठंडी हो गई है तो आप वापस से गैस ऑन कर दें और चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब गैस को हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और एक एक करके आहिस्ते से ये रसगुल्ले इसमें डालेंगे। चाशनी में हम रसगुल्ले डालेंगे तो 2 मिनट के लिए हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद में इनको हम हल्का सा हिलाएंगे पलटेंगे इसको। बहुत ही आसानी से हमें बिल्कुल सावधानी के साथ इसमें डालने हैं ताकि बिल्कुल भी चाशनी आपके ऊपर ना आए। देखिए 2 मिनट के लिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद में बिल्कुल आहिस्ते से हमें इनको इस तरह से एक एक करके पलटना है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बने हैं ये रसगुल्ले। अभी इस तरह से हमें चाशनी में इन्हें कुछ देर तक डाल के रखना है क्योंकि ये अभी थोड़ा सा फूलेंगे भी क्योंकि स्पंजी बनेंगे और चाशनी भी रसगुल्ले में बिल्कुल अंदर तक एकदम पहुंच जाएगी। देखिए इस तरह से सभी रसगुल्ले हमने एक एक करके पलट दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे मैंने इसमें गुलाब जल डाला था तो वो इसलिए डाला है कि एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आए रसगुल्ले में। तो अगर जो है गुलाब जल नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी ये देखिए रसगुल्ले बनके रेडी हो गए हैं। अभी मीडियम गैस पे हमने इनको 6 से 7 मिनट के लिए पकाया था। अब गैस हम ऑफ करेंगे और रसगुल्लों को अभी चाशनी में हम रहने देंगे और पहले इन्हें अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ब्रेड के रसगुल्ले बनके रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।